सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। हमारा आज का ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम भारत के उन अनसंग हीरोज के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमारे देश की बल्कि इस देश की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर जवानों की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे कैनाइन सोल्जर्स यानी कि मिलिट्री डॉग्स के बारे में। और भारत के इन कैनाइन सोल्जर्स पर ये वीडियो बनाने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि हाल ही के कुछ दिनों में हमें क्वेरी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स ने ये जानना चाहा है कि भारत के जो मिलिट्री डॉग सर्विस से रिटायर हो जाते हैं या फिर वो सर्विस के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो फिर उन मिलिट्री डॉग्स के साथ क्या किया जाता है। और ये जो सवाल है इस पर आपको कई अलग अलग जवाब देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सभी में एक कॉमन जवाब आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि जो मिलिट्री डॉग्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद उन्हें मृत्यु प्रदान की जाती है। लेकिन क्या ये वाकई में सच है भी या नहीं, इन सब चीजों पर हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो हमें दो खास तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिली थी। एक रिपोर्ट है 2015 की जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है और दूसरी रिपोर्ट है 2018 की जो कि द प्रिंट की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं 2015 वाली रिपोर्ट की जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने जारी किया था। और इस रिपोर्ट में एक आरटीआई के बारे में बात की गई है जिसमें ये पूछा गया था कि जो मिलिट्री एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग्स और हॉर्सेस उनके डिस्पोजल का क्या मेथड है। और इस आरटीआई के रिप्लाई में ये जवाब सामने आया था कि आर्मी के जो हॉर्सेस और डॉग्स होते हैं उनकी फिटनेस के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है और उनकी ड्यूटीज के लिए उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। और उनमें जो एनिमल्स एक महीने की एक्टिव सर्विस के लिए अनफिट कंसिडर्ड किए जाते हैं फिर उन्हें ह्यूमेन यूथनेजिया के माध्यम से डिस्पोज किया जाता है, यानी कि उन्हें एक सुखमयी मृत्यु प्रदान की जाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड आरम खरब के हवाले से ये कहा गया था कि हर एक मिलिट्री डॉग अपने पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है और ये इन्फेंट्री पेट्रोल, ट्रैकिंग, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, गार्डिंग बेसिस और किसी डिजास्टर के समय कैजुअल्टी डिटेक्शन के काम आते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल के हवाले से ये भी कहा गया था कि जो डॉग्स अपनी सर्विस के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं यानी कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में अनेबल होते हैं तो आर्मी ऐसे डॉग्स को एक सुखमयी मृत्यु प्रदान करती है, फिर भले ही जो उसकी लाइफ है वो कुछ साल और क्यों ना बची हो। हालांकि जिन रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल के हवाले से यहाँ पे बताया गया है इस रिपोर्ट में उन आर्मी ऑफिशियल का नाम नहीं दिया गया है और उनका ये भी कहना था कि ऐसा मुख्य तौर पर सुरक्षा कारणों के चलते ही किया जाता है क्योंकि मिलिट्री डॉग्स आर्मी की बेस लोकेशन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होते हैं और इसलिए किसी सिविलियन के हाथों में इनका जाना आइडियल नहीं माना जाता है। हालांकि मेजर जनरल आरम खरब ने इस आर्गुमेंट से डिसएग्री किया था, लेकिन उनका ये कहना था कि जिन डॉग्स को सुखमयी मृत्यु प्रदान की जाती है उसका मुख्य कारण ये होता है कि जिस तरह की फैसिलिटी इंडियन आर्मी इन डॉग्स को प्रोवाइड कराती है वैसी फैसिलिटी कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं कर सकता है। अब आते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट पर जो कि है द प्रिंट की और ये जारी हुई थी 2018 में। और इस रिपोर्ट में मिलिट्री डॉग्स के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुखमयी मृत्यु प्रदान करने वाली बात को खारिज किया गया था। और द प्रिंट ने अपनी इस रिपोर्ट में इंडियन आर्मी के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद के हवाले से ये कहा था कि आर्मी की तरफ से मिलिट्री एनिमल्स को सुखमयी मृत्यु प्रदान करने वाली एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है क्योंकि भारत सरकार ने 2015 से इस पर रोक लगा दी है। और कर्नल अमन आनंद ने इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि केवल वही एनिमल्स जो कि किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है और वो बीमारी उस एनिमल को और भी ज्यादा तकलीफ दे रही है तो केवल इसी केस में उस एनिमल को एक सुखमयी मृत्यु प्रदान की जाती है ताकि उसे उस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिले, लेकिन इस तरह के एनिमल्स की संख्या बेहद ही कम होती है। और बाकी जो अन्य डॉग्स होते हैं जो सर्विस से रिटायर हो जाते हैं लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, बस वे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अनफिट होते हैं, तो ऐसे डॉग्स को इंडियन आर्मी की रिटायरमेंट होम्स भेजा जाता है जहाँ पे आर्मी इस तरह के डॉग्स की पूरी अच्छी तरीके से देखभाल करती है। यानी कि इन रिटायर्ड कैनाइन सोल्जर्स के लिए एक ओल्ड एज होम बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, और जबकि इसी तरह का एक ओल्ड एज होम मिलिट्री हॉर्सेस के लिए उत्तराखंड के हेमपुर में बना है। अब अगर इन दोनों रिपोर्ट्स के कंक्लूजन पर आएं तो इसे तो यही मालूम पड़ रहा है कि 2015 से पहले जो मिलिट्री एनिमल सर्विस से अनफिट डिक्लेयर किए जाते थे उन्हें सुखमयी मृत्यु प्रदान की जाती थी, लेकिन जब 2015 में इसको लेकर एक आरटीआई फाइल की गई और जब ये मामला सामने आया तब भारत सरकार की तरफ से इस एक्टिविटी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था। और इसी सवाल के जवाब में हमने आर्मी वेटरन से भी बात करी और इस मामले में उनका भी यही कहना था कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें सुखमयी मृत्यु प्रदान करने वाली जो बात है वो गलत है
असल में जब ये मिलिट्री डॉग्स अपनी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं तो फिर उन्हें या तो इनके ओल्ड एज होम या फिर ट्रेनिंग सेंटर में बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि डॉग्स की जो एवरेज लाइफ होती है वो करीब 13 से 14 साल ही होती है, लेकिन जो मिलिट्री में या अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस में स्नीफर डॉग्स इस्तेमाल होते हैं उनकी लाइफ किसी नॉर्मल डॉग की तुलना में और भी कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारूद की गंध सूंघ सूंघ कर उनके जो फेफड़े हैं वो खराब होने लगते हैं और जिसके चलते वे ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं। और आपको भारत के इन मिलिट्री एनिमल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यहां तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पे जाकर भी आप हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर इंडियन मिलिट्री से जुड़ी कई सारे इंटरेस्टिंग पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो ये मिलिट्री एनिमल्स होते हैं इनमें खास तौर पर डॉग्स और हॉर्सेस आते हैं, और इनकी ट्रेनिंग होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित इंडियन आर्मी के रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के अंदर, और यही मेरठ में इसका आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज स्थित है। और आर्मी डॉग्स में आमतौर पर लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या फिर बेल्जियन शेफर्ड जैसी ब्रीड शामिल रहती हैं, जो कि अलग अलग एल्टीट्यूड और वेदर के अनुसार चुनी जाती हैं। हालांकि अब आर्मी ने डॉग्स के देसी ब्रीड का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो मिलिट्री डॉग्स हैं इन्हें किसी भी डेकोरेटेड मिलिट्री सोल्जर की तरह ही सम्मान दिया जाता है, और जिस तरीके से हर एक सोल्जर की कोई ना कोई रैंक होती है उसी प्रकार इनको भी एक रैंक मिलती है। और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिन पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत के दो सोफी और वीदा नाम के स्नीफर डॉग्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित भी किया गया है, और हमारे इन कैनाइन सोल्जर्स ने कई बार हमारे देश के वीर जवानों की जानें भी बचाई हैं। और ऐसा एक मामला सामने आया था 2017 में जब CRPF के प्लूटो नाम का ट्रैकर डॉग छत्तीसगढ़ में एक IED ब्लास्ट के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ था। और इसी तरह की अप्रैल 2017 में एक और रिपोर्ट सामने आई थी जब बीजापुर में एक और IED ब्लास्ट में CRPF का एक और वैल्यूएबल स्नीफर डॉग क्रैकर वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसी तरह क्रॉकेट, सोनिया, सोफी, विदा, एस्ट्रो और भी ऐसे कई सारे कैनाइन सोल्जर्स हैं जो इस देश की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जबकि PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 2 साल पहले आईडी ब्लास्ट में वीर गति को प्राप्त होने वाले CRPF के कैनाइन सोल्जर क्रैकर की भी बात की थी, और जबकि उन्होंने सोफी और वीदा जैसे कैनाइन सोल्जर्स की बहादुरी का भी जिक्र किया था। और जबकि कल ही कोलकाता में स्थित CISF यूनिट ASG ने अपने बिलव्ड कैनाइन कॉमरेड एस्ट्रो को आखिरी विदाई दी है जिसने 9 साल तक इस देश की सेवा की थी। और आप स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो एस्ट्रो की कल की आखिरी विदाई की है, और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कैनाइन सोल्जर्स को किसी भी सोल्जर की तरह पूरा सैन्य सम्मान दिया जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई मिलिट्री डॉग अपनी सर्विस से रिटायर हो भी जा रहा है तो भी उसकी वैल्यू एक वेटरन की तरह होती है, क्योंकि वो भी एक तरीके से देश का सैनिक ही है। और हमारे ये कैनाइन सोल्जर्स भले ही पैदा एक डॉग की तरह होते हैं लेकिन ये रिटायर्ड एक सैनिक की तरह होते हैं जिसने अपने पूरे कार्यकाल में इस देश की सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई होती है, और ये देश इन सभी कैनाइन सोल्जर्स का हमेशा ऋणी रहेगा। और वैसे भी डॉग्स के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर किसी आदमी के पास डॉग है और वो डॉग उसे बहुत प्यार करता है तो आप कह सकते हैं कि वो जो आदमी है वो एक अच्छा आदमी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।